अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कलेमा बताने जा रहे हैं कि अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो कयामत के दिन आपसे अच्छी नेकी किसी के पास नहीं होगी। जी हाँ, कौन सा कलमा है, किस तरीके से पढ़ना है, सारा तरीका, सारी जानकारी हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। अब सुनिए मुकम्मल जानकारी। दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि हमारे नाम अमाल में ढेर सारी नेकियां जमा हो जाए, हमारे पास सबसे ज्यादा नेकी हो जाए, हम सबसे बड़े परहेजगार बन जाए, हम सबसे अच्छे इंसान बन जाए। हर कोई चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। दोस्तों, ये कलमा जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मर्तबे वाला है, बहुत ही फजीलत वाला है। बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में इस कलमे की फजीलतें आई हैं। वो कलमा कौन सा है? सुबहानल्लाही व बिहम्दिही, सुबहानल्लाही व बिहम्दिही। जो बंदा सुबह में 100 मरतबा और शाम को 100 मरतबा इस कलमे को, सुबहानल्लाही व बिहम्दिही को पढ़ लेगा तो कयामत के दिन उससे बेहतर अफजल अमल किसी के पास नहीं होगा। जी हाँ, उससे बेहतर और अफजल अमल किसी के पास नहीं होगा। हाँ, उस इंसान के पास हो सकता है, जिसने आपसे ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा तादाद में पढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, आपने 100 मरतबा पढ़ा है तो आपसे अफजल कोई नहीं, लेकिन अगर कोई 200 मरतबा पढ़ के गया है तो जाहिर सी बात है वो आपसे अफजल हो जाएगा। तो जो जितनी ज्यादा मर्तबा पड़ेगा वो अफजल अमल अल्लाह की बारगाह में लेकर जाएगा। तो हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस कलमे को, सुबहानल्लाही व बिहम्दिही को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला हमारे अमल के जैसा किसी का अमल नहीं होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा कर हमें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो हर मोमिन को, हर बंदे को ये चाहिए कि इस कलमे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहें। अगर ज्यादा ना हो सके तो कम से कम 100 मरतबा सुबह में और 100 मरतबा शाम को इसे जरूर पढ़ें ताकि आपके नाम अमाल में ढेर सारी नेकियां जमा हो सके। वो दोस्तों, उम्मीद है कि इस तरीके पे अमल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़।